हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आज जिस स्टॉक या जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। कंपनी प्रोफाइल पे एक विजिट करते हैं थोड़ी देर के लिए। वी आर ग्लोबल लीडर्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैटरिंग टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर कंपनीज। एस्टैब्लिश्ड इन 1989, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरमीडियरीज। वी कंबाइन इनोवेशन विद केमिस्ट्री टू डिलीवर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड टू अवर कस्टमर्स। वी फॉलो द हाइएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड आवर प्रोडक्ट्स मीट डाइवर्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। चलिए हम जंप करते हैं। देखिए, वी आर प्रेजेंट इन ओवर 22 कंट्रीज 22 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स अक्रॉस द यूएस, यूरोप एंड एशिया। प्रोडक्ट्स में देखिए, जो मेजर प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं इनके, आइसोब्यूटाइल बेंजीन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड एंड होल्ड्स द लार्जेस्ट मार्केट शेयर फार्मास्यूटिकल्स। इट्स द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर ibuprofen and widely used drug across the US, Europe and Asia. तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और चलिए अब हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अप्रैल 18, आज तो 20 अप्रैल है, मार्केट बंद है, आज शनिवार है। तो जो लास्ट इसका भाव चल रहा था 1761 रुपए का 18 अप्रैल 2019 को, और 52 वीक लो बनाया था इसने 867 रुपये, हाई था 1790, मतलब इसने हाई बनाया। वाह, दैट्स ग्रेट। देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि बाई इट बाइट 100% यहाँ मीटर पे शो कर रहा है। मार्केट कैप है 9,062 करोड़ का, एक मिड कैप कंपनी है। ईपीएस है 49 का। जिस हिसाब से इसका प्रीमियम है तो ईपीएस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, काफ़ी कम लग रहा है, नो डाउट। खैर, आगे चलते हैं। पी है 35 की, इंडस्ट्री पी है 52 की, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। फेस वैल्यू 2 की है, प्राइस टू बुक है 11.38 और बुक वैल्यू 155 की। और बैलेंस शीट में देखिए, टोटल डेट जो है 15 करोड़ का, तो डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि 15 करोड़ इतनी बड़ी कंपनी के लिए 15 करोड़ कर्जा कोई बड़े मायने नहीं रखता। चाहे तो एक क्वार्टर के जो नेट प्रॉफिट में ही ख़त्म कर सकते हैं ये, समझ गए आप। तो ये कर्जा भी किसी है ना, मामूली सी चीज़ है। मार्च 18 में जो नेट सेल्स थी 212 करोड़ की, जून 18 में हो गई थी 264 करोड़ की, सितंबर 18 में 252 की, और दिसंबर 18 में 303 करोड़ की, जो कि लगातार ग्रोथ है। दैट्स नाइस। और अभी Q4 के भी रिजल्ट्स आने वाले होंगे। और नेट प्रॉफिट में जहाँ 51 करोड़ की मार्च 18 में थी, वहाँ जून 18 में 64 करोड़ की हो गई, और सितंबर 18 में 65 करोड़ की, और दिसंबर 18 में 70 करोड़ की अनवरत ग्रोथ है। देखिए, लगातार नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। गुड क्वालिटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ है 9.16% की, EBIT ग्रोथ है 22.33% की, और वैल्यूएशन अभी जो यहाँ पे चार्ट पे बताया गया जिस वेबसाइट पे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है कि 806 रुपये के ऊपर ये प्राइस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ पर द वैल्यूएशन। तो दोस्तों, अभी देखिए पी रेशियो इसका 33, हम पी वहाँ भी देखे थे। ROC जो है 36 का है, अट्रैक्टिव है। ROE भी इसका अट्रैक्टिव है 28.05% की। और देखिए, पीयर जो कंपनीज़ हैं, तो गोदरेज इंडस्ट्री, आरती पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। अतुल लिमिटेड पे भी बनाया था, अभी ये फेयर पे ट्रेड कर रहा है, तो अतुल पे भी आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और विनाती ऑर्गेनिक्स ये पे वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि ये एक जैसे इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से इसके रिटर्न्स, जिस प्रकार से इसके नेट सेल्स में ग्रोथ है, जिस प्रकार से इसकी अर्निंग है, नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, उस प्रकार से अगर ये नीचे के लेवल पे काफ़ी आपको मिल जाता है, जैसे कि एक साल पहले ये 800 समथिंग का था, तो मेरे विचार से अभी एक साल में तो इसने डबल कर दिया आपका पैसा। अभी 1761 रुपये पर चल रहा है, तो एक साल में इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो अगर फिर भी किसी कारणवश अगर मार्केट टूटती है और कम दाम में मिलता है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा लेने पर। तो
ये मेरी एडवाइस है, एक जो डेटा है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ज़बरदस्त हैं, और रिटर्न आप ये बताते हैं आपको। रिटर्न में देखिए 10 सालों में आपको 10,870% का, मतलब अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाए तो 1,08,00,000 हो गए हैं। सीधी सी बात है, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। आपको, आप भी गूगल करेंगे तो आपको भी विनती ऑर्गेनिक्स के 10 साइटें आ जाएंगी जिनमें आपको 10 सालों के रिटर्न बताने के लिए काफ़ी हैं। 5 सालों में 550% के आसपास का रिटर्न है, 4 सालों में 172% का रिटर्न, 3 सालों में 320% का रिटर्न, 2 सालों में 134% के शानदार रिटर्न है, 1 साल में 95%। देखिए मैंने कहा था ना कि डबल कर दिया आपका पैसा। ईयर टू डेट में 6.85% का रिटर्न, 6 मंथ में 36% का रिटर्न, 3 मंथ्स में 10%, 1 मंथ में 8% के आसपास, 1 वीक में 4.82% के, और 1 डे में भी 1.25% के रिटर्न्स हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का ये तात्पर्य कि अगर गुड क्वालिटी कंपनी में, आप केमिकल की कंपनी में खासकर, तो होता क्या है कि जहाँ भी, जिस ईयर में भी आपने पैसा जब भी डाले होंगे, चाहे 5 साल पहले डाले होंगे, 10 साल पहले डाले होंगे, 4 साल पहले डाले होंगे, 3 साल पहले डाले होंगे, देखिए यहाँ इतने दिनों में कहीं भी आपको रेड के निशान पर नहीं है। हमेशा इस स्टॉक ने आपको जो है रिटर्न बना के दिया है। अब होता क्या है, परेशानी वाली बात है कि छोटी प्राइस का स्टॉक इसलिए मैं बता नहीं पाता क्योंकि उनमें बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो कभी कभी छोटी कम, अभी छोटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि केमिकल कंपनी, छोटी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आपको शानदार रिटर्न नहीं मिलते हैं। तो कुछ जो गुड क्वालिटी कंपनीज हैं, और ख़ासकर केमिकल की, अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर माइक्रो कैप भी, मैंने काफ़ी केमिकल्स की कंपनी बताई है, जैसे भगेरिया इंडस्ट्री हो गई और भी ऐसे कई बताई हैं, तो उनमें भी यही पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है, उनके भी प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, गुड क्वालिटी कंपनी है, तो आने वाले समय में वो भी रिटर्न दे सकती हैं, और दिया भी है उन्होंने 10 सालों में। तो ऐसे स्टॉक, ये तो आप समझिए कि कितना ज़बरदस्त 10 सालों में रिटर्न दिया है, 10,000% के आसपास, ज़्यादा ही दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मैं भावनाओं में बह गया था, बट ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं दे रहा हूँ आपको। ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही मशवरा करना पड़ेगा, या आपको अपनी सूझबूझ से, आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने के बाद अगर आप कुछ ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा, अगर आप नहीं अवेयर हैं इस कंपनी के बारे में, देन। तो चलिए मैं, हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आके प्रमोटर्स के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है, 74%, और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 12.3%, हम आप जैसे खुदरा ग्राहक। अब देखिए 4 रुपये, 4.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड पे किया है, और अपनी इंडस्ट्री में 5th नंबर पे है, केमिकल से है, प्राइवेट हाउस है, 1989 से काम कर रही है। दोस्तों, मैं इस स्टॉक के बारे में बस आप लोगों को ये आगाह करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि मैंने लगातार अतुल इंडस्ट्री हो, चाहे आरती इंडस्ट्री हो, चाहे विनाती ऑर्गेनिक्स हो, इस कंपनी के बारे में भी आज मैंने रिव्यू दिया। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि सर विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में भी बताइए, तो दोस्त मैं आपको आज ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आशा है कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा, और अपनी सूझबूझ के हिसाब से आप इसमें अगर ख़रीदना है तो, मैं तो यही कहा हूँ कि अगर आपको किसी कारणवश ये टूटा हुआ मिलता है तो और अच्छी बात है, लेकिन इस लेवल पे मैं अभी फ़िलहाल आपको सलाह तो इसलिए नहीं दे सकता कि इसके Q4 के रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद फिर क्या रणनीति होती है वो आप नज़र बनाइए, अगर आपको इंटरेस्ट है इस कंपनी में। तो चलिए मैं वीडियो यहीं बाइंड अप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।